आर पार की लड़ाई के बूच में बिजली अभियंता बिजली कंपनियों के कनिष्ठ अभियंताओं का कल से टूल डाउन है। जी हां, पावर इंजीनियर्स एसोसिएशन के आह्वान पर राज्यव्यापी आंदोलन है। प्रदेश भर में 5,000 से अधिक जेईएन जयपुर में एकजुट होंगे और इसके अलावा विद्युत भवन पर अनिश्चितकालीन धरना देकर अपना विरोध भी जाहिर करेंगे। मांगे रहेगी ग्रेड पे पर 4810 इंक्रीमेंट और समयबद्ध पदोन्नति की मांग। ये तीन बड़ी मांगे। इसके अलावा अभियंताओं की चेतावनी, यदि इन मांगों पर जल्द ही कुछ फैसला नहीं किया गया तो बिजली आपूर्ति से जुड़ी किसी भी घटना के लिए प्रशासन जिम्मेदार नहीं होगा। ये अल्टीमेटम दिया गया है इनके द्वारा और कल जब साथ में जुटेंगे अनिश्चितकालीन धरना देंगे विद्युत भवन पर और अपना विरोध जाहिर करेंगे। मांगे तीन है, ग्रेड पे पर 4810 इंक्रीमेंट और समयबद्ध पदोन्नति। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी विकास शर्मा इस वक्त ऑनलाइन पर जुड़ चुके हैं। विकास, अल्टीमेटम आया है और अल्टीमेटम के तहत अब अनिश्चितकालीन धरना देकर के विद्युत भवन पर विरोध भी जाहिर करने की बात सामने आ रही है, क्या पूरी जानकारी इस पर? देखिए, कल से प्रदेश भर के जो बिजली उपभोक्ता उनके बड़ी संकट की स्थिति पैदा हो चुकी है, क्योंकि कल प्रदेश भर में कनिष्ठ अभियंता जो जिनके ऊपर बिजली सप्लाई का महत्वपूर्ण जिम्मा होता है जी। वो सभी लोग जो है कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के मूड में है। उन्होंने बड़ा आंदोलन किया, आर पार की लड़ाई के मूड में उन्होंने जो आह्वान किया, कल प्रदेश भर के कनिष्ठ अभियंता जो है जयपुर में एकत्र होंगे। जयपुर में एकत्र होकर के यहाँ पर टूल डाउन हड़ताल उन्होंने किया, अनिश्चितकालीन हड़ताल है जिसको लेकर के पूरा प्रशासन अलर्ट है। जो मांग है उनकी यही, 4800 ग्रेड पे दी जाए, उनको समयबद्ध पदोन्नति की जाए और साथ में उनको 10 इंक्रीमेंट का जो पहले दिया जाता था वो दिया जा रहा है। लंबित मांग है, करीब 12 साल पुरानी, और अन्य दूसरे सरकारी विभागों में ये मांग जो है वो पूरी हो चुकी है। ऐसे में जो बिजली अभियंता है उनमें जबरदस्त रोष है और इसी बात को लेकर के उन्होंने आर पार की लड़ाई का मूड जो है वो बना लिया है। कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल जो है वो अभियंता करेंगे। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन बड़ा अत्यंत गंभीर है। अभी कुछ ही देर पहले जो ऊर्जा मंत्री है भंवर सिंह भाटी, उन्होंने एक बार फिर से वार्ता के लिए अभियंताओं को बुलाया है। अभी माने अगर कंफर्म तो अभी नहीं कर पाया, लेकिन 1:30 बजे के आसपास ऊर्जा मंत्री जो है वो बैठक लेंगे और उसमें पावर इंजीनियर एसोसिएशन के जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, उनको सभी को बुलाया गया है। उनसे वार्ता की जाएगी और बीच का रास्ता निकालने की बात की जाएगी। बिल्कुल, चलिए, उम्मीद यही है कि जो वार्ता होगी उसमें कुछ सकारात्मक रूप निकलता है, लेकिन अगर नहीं निकलता है तो कल बिजली उपभोक्ता निश्चित तौर पर वार्ता में क्या बात निकलकर सामने आती है देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया विकास।